सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते आज की खास खबर, बालासाहेब के लिए सीबीएफसी की कैंची बहुत छोटी बात। संजय राउत शनिवार को मुंबई में फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर फिल्म प्रेजेंटर वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के मुख्य संचालन अधिकारी सीओओ अजीत अंधारे, फिल्म के मुख्य कलाकार अमृता राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, संगीतकार रोहन और शिवसेना आदित्य ठाकरे की मौजूदगी में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। इससे पहले सीबीएफसी के ठाकरे के 3 दृश्यों और 2 संवादों पर आपत्ति जताने की खबरें आई थी। सीबीएफसी ने कथित तौर पर बाबरी मस्जिद वाले दृश्य और मुंबई में रह रहे दक्षिण भारतीय समुदाय के खिलाफ उपयोग किए गए संवाद यांडू गुंडू पर आपत्ति जताई थी। सीबीएफसी के फिल्म प्रमाण पत्र देने के सवाल पर राउत ने कहा, आपसे किसने कहा कि सीबीएफसी को फिल्म से आपत्ति है? फिल्म के हिंदी संस्करण को सीबीएफसी ने प्रमाण पत्र दे दिया है। फिल्म में हर वो चीज है जो दर्शक देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं पहले ही एक बयान दे चुका हूँ कि सीबीएफसी की कैंची बालासाहेब ठाकरे के लिए बहुत छोटी चीज थी। वो ऐसे थे जो दूसरे पर संसद नियंत्रण करते थे। ठाकरे पत्रकार और सांसद संजय राउत ने लिखी है और इसका डायरेक्शन अभिजीत पंसे ने किया है। ये फिल्म हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में रिलीज होगी। फिल्म बाल ठाकरे के 93वीं जयंती 23 जनवरी को रिलीज की जा रही है। तो देखते रहिए खास खबर एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आगे प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, तब तक के लिए धन्यवाद।